हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन सैनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आल्सो एन एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जिसके हेल्प से हम समझेंगे कि हमें प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है, हमें क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि आपकी जो होम में यूज होने वाली चीज़ें हैं लाइक वॉशिंग मशीन, एसी, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारी, तो आपने देखा होगा कि आप वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं। आप वॉशिंग मशीन में टाइमर सेट कर देते हैं कि इतने टाइम के बाद उसको ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है, ठीक है। तो वो जो ऑटोमेटिक टाइमर है या फिर जो और भी उसमें चीज़ें हैं, जो आप कपड़े सुखाने के लिए भी टाइमर यूज़ करते हैं, वो सब टाइमर यूजिंग प्रोग्राम लिखे गए हैं। तो उस वॉशिंग मशीन में एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसकी हेल्प से वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। उसको इंटेलिजेंट बनाया गया है। इसी तरीके से आप एसी की कूलिंग को एक रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसकी कूलिंग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से हुआ है? यूजिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोग्रामिंग क्या करता है। प्रोग्रामिंग हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लॉजिकली हेल्प करता है। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस की है उन्होंने उसको यूजिंग प्रोग्राम सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी प्रोग्रामिंग की हेल्प से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी वजह से आज ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गए हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले मेलिंग जो आप ईमेल भेजते हैं या फिर जीमेल से की हेल्प से जो आप मेल भेजते हैं उनको भेजने के लिए पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो पहले क्या करते थे, पहले हम ऑफिस में जाके पोस्ट डाल के आते थे, तो और वो उसको टाइम लगता था, 2 दिन 4 दिन या फिर हफ्ते भर लग जाते थे उसको पहुंचने के लिए। लेकिन अब क्या है, अब क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत उसको एक ईमेल टाइप किया और भेज दिया। तो ये सब किसकी हेल्प से हुआ? यूजिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेन बुकिंग सिस्टम। अब देखिए, पहले क्या करते थे, पहले हमको ट्रेन बुक कराने के लिए क्या करना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी लाइंस होती थी, उसमें लगना पड़ता था, फिर हमारी ट्रेन की टिकट बुक होती थी। लेकिन अब क्या है, अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया। ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद एक ही हमारी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं या फिर पहले ही रिजर्व कर लेते हैं सीट्स। तो इसने हमारी जो एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से अब आप लोग ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, सामान खरीदते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट से खरीद लिया, अमेजोन से खरीद लिया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और भी बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं जिससे आप जो सामान है वो खरीदते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो ऑफलाइन आप सामान खरीदते थे वो आप घर बैठे मंगा पा रहे हैं, किसकी हेल्प से? यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम ने अब क्या कर दिया, प्रोग्राम ने आपकी जो प्रॉब्लम थी, मीन्स आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, आपकी पूरी दुकान आपके घर पे आ जा रही है, मीन्स आपको केवल क्या करना है, फ़ोन चलाना है, फ़ोन में ऑर्डर बुक करना है, पेमेंट करना है और आपका सामान आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके हेल्प से हुआ? यूजिंग प्रोग्रामिंग। अब आप फ़ोन में क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं या फिर और भी एप्लीकेशन हैं उनको यूज़ करते हैं। तो वो सारे गेम्स एप्लीकेशन किसकी हेल्प से बनाए गए हैं? यूजिंग प्रोग्रामिंग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि प्रोग्रामिंग से और कि हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट और आप सबके लिए बहुत ही, मीन्स आप सोचेंगे कि ये हमारे लिए सबसे यूजफुल है, प्रोग्रामिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, वो कैसे? तो पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप यूजिंग प्रोग्रामिंग जॉब ले सकते हैं। तो आप किसी भी कंपनी में जहाँ पे प्रोग्रामर की नीड है वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के बाद, और आप जो मनी है वो अर्न कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते किसी भी मतलब कंपनी में या फिर कहीं और अपने घर से दूर जाके नहीं रहना चाहते, तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसा फ्रीलेंसर काम कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, लोग अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, आपको उनको सॉल्यूशन देना होता है और आपको काम लिखना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको पैसे पे करते हैं उस काम को करने के, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लाइक फ्रीलेंसर, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जहाँ पे फ्रीलेंस। नेक्स्ट है, अगर आप फ्रीलेंसर भी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो अगर आपके पास है बहुत अच्छा आइडिया
जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या फिर कोई और भी अच्छा आइडिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, आप खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक। तो आप प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट, एप्लीकेशंस और गेम्स, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप पैसे भी कमा सकते हैं। आपको भी कभी कोई आइडिया आया और आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो आप फ्यूचर में जाके अफसोस करेंगे कि काश मुझे प्रोग्रामिंग आती और मैं अपना जो आइडिया है उसको कंप्लीट कर देता, उसको बना के सक्सेसफुल बना देता, ठीक है। तो आप फ्यूचर में ना पछताएं, इसलिए आप प्रोग्रामिंग सीख लीजिए, आप कोडिंग सीख लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया कि आपको प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।